देवी सर्वभूतेषु मा शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि की पहली देवी शैलपुत्री माता की पावन कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, अनंत शक्तियों से संपन्न है नवरात्रि की पहली देवी माँ शैलपुत्री का स्वरूप। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के नौ रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषरूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं, यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है, आइए जानते हैं दोस्तों। तो कथा का श्रवण करते हैं। पति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं किया गया है, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकीं, योगा निग्न द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ था। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और शक्ति अनंत है। बोलो शैलपुत्री माता की जय, पार्वती माता की जय। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बोलो शैलपुत्री माता की जय।